स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, बिफोर दिस वीडियो आप हमारे साथ सफर कर चुके हैं दिल्ली से काजा तक का। लास्ट वीडियो में हमारे साथ साथ आपने भी एंजॉय किया काजा, लांगजा विलेज और कॉमिक विलेज को, और रूबरू हुए यहाँ की वाइल्ड लाइफ से, वेदर कंडीशंस एंड डिफरेंट माउंटेन से भी। तो इस सफर को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करते हैं हिक्किम विलेज से। तो हिक्किम विलेज में आपको मिलेगा वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जो कि कॉमिक से 3 किलोमीटर है और जिसको कवर करने में आपको 10 मिनट्स लगेंगे, जिसकी हाइट 14,567 फीट है और यह एक पोस्ट मास्टर और 2 डाकियों द्वारा चलाया जाता है। पोस्ट ऑफिस जाने का रास्ता है, वो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। गाइस ये नीचे जा रहे हैं अब हम पोस्ट ऑफिस के लिए। ये यहाँ भी एक कैफे बना हुआ है, जैसे कॉमिक में बना हुआ था। ये वर्ल्ड वेलकम टू हिक्किम, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे फोटो क्लिक करा सकते हैं। ये यहाँ सारी गाड़ियाँ पार्क करके ये कैफे है। यदि आप हमसे पूछे कि कौन सी जगह स्पीति घाटी का सबसे सुंदर दृश्य दिखाती है, तो हम आपको हिक्किम का नाम लेंगे। आप यहाँ बस आराम कर सकते हैं और विशाल पहाड़ों के बीच से घूमते बादलों को देखते हुए घंटों घंटों गुजार सकते हैं। भाई ये 50 मीटर का डिस्टेंस है पोस्ट ऑफिस का। चलो नीचे चलते हैं। स्लीपी है भाई, यहाँ से थोड़ा सा देख के आना, आराम से चलते हैं। यहाँ से है शायद, उधर है पीछे की तरफ। ये यहाँ के मकान बने हैं सारे, सबके घर बने हुए हैं। चलो गाइस नीचे चलते हैं अब पोस्ट ऑफिस के लिए। आ जाओ। ये गाइस नीचे है शायद, यहीं पे है। ये है इंडिया का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। क्योंकि ये पहाड़ एक्सट्रीम विंटर में बर्फ से टोटली कवर हो जाते हैं, तो इस दौरान इन गांवों तक कोई भी नहीं पहुंच पाता और यहां के आदमी मॉडर्न लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विश्वास नहीं करते। वो सरवाइव करने के लिए टोटली एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं। ये है पोस्ट ऑफिस, विश्व का सबसे ऊंचा। गाइस ये जो पोस्ट ऑफिस है, इसकी जो हाइट है 4,440 मीटर है और फिट जो है 14,567। इसका गेट इधर से है, गेट इधर से है भाई, इसका गेट इस तरफ से है इसका। यहाँ से है ना भैया पोस्ट ऑफिस जाने का, यहाँ से है रास्ता। एंड द क्रेडिट गोज टू यहाँ के पोस्ट मास्टर रिंचेन चेरिंग,
जो कि 1983 से जब से पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश्ड हुआ था और अभी तक यहाँ का रख रखाव यही संभालते हैं। तो कब तक पहुँच जाएगा? जैसे आज हम पोस्ट करेंगे तो ये 10-15 दिन में पहुँच जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पहुँचे, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, एड्रेस ठीक होना चाहिए, पहुँच जाएगा। ठीक है, ओके। चलो गाइस, एक बार पोस्ट कार्ड को पोस्ट कर देते हैं, फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं आपको। ये भैया खेत है यहाँ के, जौ वो रखे इन्होंने यहाँ पे, ये पूरे खेत है यहाँ पे पीछे तक। आप भी जब यहाँ आए तो 14,400 फीट से अपने आप को या अपने फ्रेंड्स को पोस्ट करना बिल्कुल भी स्किप ना करें। हमने भी अपने आप को एक लेटर पोस्ट किया, ये सोचकर कि हम वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से खुद को पोस्ट कर रहे हैं। हमारा जोश और एक्साइटमेंट बहुत हाई थी। गाइस, जो ऑफिस की टाइमिंग है वो 1 बजे से 2 बजे तक की है दोपहर की, और 2 से 4 बजे तक की है। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है की मोनेस्टी, जिसके लिए हमें यू टर्न लेके काजा टू मनाली रूट पर जाना होगा। फील हो रहा है मैं यहाँ के। भाई जी, ये देखो यहाँ पे भीड़ है काफी सारी। कुछ खा रही है यहाँ पे घास वगैरह। लोसर तक पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप काजा टू मनाली रूट फॉलो करें, यहां से आप की किब्बर और चीचम ब्रिज होते हुए लोसर पहुंच सकते हैं, या आप काजा से मनाली रूट की तरफ जब चलते हैं तो आपको एक ब्रिज दिखाई देता है जो कि रांगलिक विलेज होते हुए आपको लोसर पहुंचा देता है। की मोनेस्टी एक तिब्बती बौद्ध मठ है जो कि काजा से 4,166 फीट की हाइट पर और एक पहाड़ के टॉप पर है। इंडिया के अंदर आपको हिंदू कल्चर ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन तिब्बती सीमा के पास काजा में यह सब बदल जाता है। आपको यहाँ मोस्टली बुद्धिज्म कल्चर देखने को मिलेगा। हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, अंदर जा रहे हैं। मोनेस्ट्री को 3 फ्लोर्स में डिवाइड किया गया है। अंडरग्राउंड फ्लोर फूड स्टोरेज के लिए बिकॉज ऑफ द विंटर, उससे ऊपर असेंबली हॉल और कुछ छोटे कमरे, देन फर्स्ट फ्लोर पर एंशिएंट बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रेयर रूम्स और मेडिटेशन रूम्स होते हैं। मोनेस्ट्री जाने की टाइमिंग है और यहाँ से एंट्री है। चले आओ, चले। हिस्ट्री है यहाँ पे लिखी की मोनेस्ट्री की, द हिस्ट्री ऑफ की मोनेस्ट्री। यदि आप एंड ऑफ जुलाई यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ चाम फेस्टिवल देखने को मिलेगा। उस समय सभी के लिए रसोई खुल जाती है, जिसके लिए आपको पे भी नहीं करना होगा। यहाँ से एंट्रेंस है, ये हम ऊपर जा रहे हैं। गाड़ी हमने वहाँ पार्क की है, ये पार्किंग स्पेस है सारा। चलिए ऊपर चलते हैं हम। अगर कैमरा अलाउड होगा तो हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे। थोड़ा सी चढ़ाई है ऊपर। बताते हैं कि दलाई लामा भी यहां आया करते थे। अबाउट 350 से भी ज्यादा मॉन्क्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स यहां रहते हैं और अपने कल्चर रिलीजियंस की ट्रेनिंग लेते हैं। हाँ।
विंटर के अंदर टेम्परेचर -40 तक चला जाता है तो उस समय पूरा पहाड़ बर्फ से कवर हो जाता है, पाइपलाइन ब्लॉक हो जाती है। तो आपको हम बता दें यहाँ कोई होटल फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगी, तो आपको काजा या और कोई ऑप्शन ही देखना होगा। चलिए अब अंदर जाके आपको दिखाते हैं आगे जाके। गाइज फाइनली हम की मोनेस्ट्री पहुंच गए हैं। नेम ऑफ वर्क म्यूजियम कॉम की मोनेस्ट्री है। बाहर से व्यू है पूरा। हवा बहुत तेज चल रही है। चलो अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कैमरा अलाउड है या नहीं है। ये अंदर से व्यू यहाँ का, सामने की मोनेस्ट्री है। ये है मोनेस्ट्री का गेट है। स्ट्रेस चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। हवा बहुत तेज चल रही है, बिल्कुल ठंडी हवा है, बिल्कुल एकदम। रास्ता अंदर जाने का, बाहर से व्यू इस तरह का है। मोनेस्ट्री में इतनी शांति होती है कि आप खुद को सहज अनुभव करने लगते हैं और गोम्पा की इस खुली छत से स्पीति रिवर के साथ साथ घाटी का सुंदर व्यू देखने को मिलता है। ये उनका ऑफिस बना हुआ है। ये विद्यालय बना हुआ है, यहाँ पे बच्चे शिक्षा लेते हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं चीचम ब्रिज। आपको हम बता दें कि चीचम ब्रिज एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज माना जाता है, जो कि दो ऊंचाई वाले गांव चीचम और किब्बर को जोड़ता है। यहाँ के गांव इतने रिमोट हैं और रास्ते इतने उबड़ खाबड़ कि आप दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग महसूस करते हैं। इंटरनेट की तो आप सोचिए ही नहीं, और सेलुलर नेटवर्क भी यहाँ मोस्टली काम नहीं करते। सीमेंट का पाइपलाइन दे रखी है पानी निकलने के लिए। बोल ले उधर देख भाई। जैसा कि आप सड़कों को देख पा रहे हैं, हर डायरेक्शन आपको एक ब्यूटीफुल फीलिंग देती है। जहाँ तक भी हम अपनी आंखों से इन ब्राउन माउंटेन्स को देख पा रहे थे, ये उतने ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। आवाज किसी से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट कर रही है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट चीचम ब्रिज है,
ये व्यू मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, अभी जाके हम आपको नीचे से भी दिखाएंगे। अभी आपको पास से दिखाता हूँ मैं। काफी अलग ही व्यू है यहाँ का और अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा हमारा। फर्स्ट टाइम हम इस तरह का कोई ब्रिज देख रहे हैं। चीचम ब्रिज स्टील ट्रस से बना है और इसकी सी लेवल से 13,596 फीट की हाइट मानी जाती है। आप काजा से एक घंटे की ब्रीफ टेकिंगली और ब्यूटीफुल सीनिक ड्राइव करते हुए चीचम ब्रिज पहुंच सकते हैं। गाइस ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट चीचम ब्रिज। मोटी मोटी केबलें लगी हुई हैं। चलिए पुल पे क्रॉस करते हैं पुल को यहाँ से। गाइस अब हम पुल पे आ गए हैं। ये है चीचम ब्रिज वर्ल्ड का हाईएस्ट। यहाँ से अलग ही व्यू आ रहा है। ये नीचे खाई है, दिखाते हैं। नीचे गहरी खाई से ये ब्रिज 1000 फीट ऊपर हवा में लटकता दिखाई देता है। ब्रिज 5 रंगों के रंगीन प्रार्थना झंडों से लिपटा हुआ है। अभी हम ब्रिज के ऊपर ही चल रहे हैं। अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ का। अगर आप काजा हैं तो एक बार इस ब्रिज पे भी जरूर विजिट करें। अभी हम इसके सेंटर में खड़े हैं ब्रिज के। पुल से जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो एक रिस्क के साथ साथ खुद को एडवेंचरस और बोल्ड फील कराते हैं। फटाफट से ब्रिज को क्रॉस करते हैं और आगे कुछ फोटोज वगैरह लेके आपसे दोबारा मिलेंगे। कुछ ड्रोन शॉट्स ताकि आप भी यहाँ के एरियल व्यूज को मिस ना कर पाए। आज का स्टे हम लोसर में करेंगे, तो वीडियो को यही एंड करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और चलेंगे इससे भी ज्यादा एडवेंचरस रूट पर जो हमने भी इमेजिन नहीं किया था, जहां आपको दिखेंगे ग्लेशियर, स्नो कैप माउंटेन, ऑफ रोडिंग रोड, वाटर क्रॉसिंग। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अरुण व्लॉग। क्या नाम है आपके सर, आपके कैंप का? टेंजिन कैंप। ओके, बाटल में है ये? बटाल। बटाल। भाई चाचा चाची का ढाबा है फेमस। मैं आपको राधा कहते हैं इनका फूल का। Never really notice what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.